आज बनाएंगे नवरात्रि व्रत के लिए जीरो ऑयल सात रेसिपी। ये समा के चावल का मूंगफली वाला पुलाव, मैंगो मलाई, साबुदाने की खीर, शकरकंदी की चाट, दही वाले आलू और ये मूंगफली दाना मखाना स्नैक्स और ये चटपटी खट्टी मीठी चटनी। इन रेसिपीज में से आप जब भी जो चाहे वो बना लीजिए। नमस्कार, nishamudhulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे साबुदाने की खीर। तो ये बर्तन, इसमें डाल दीजिए आधा लीटर फुल क्रीम दूध। फ्लेम ऑन कर दीजिए और बर्तन को मैंने पहले से ही धो कर लिया था, यानी इसका तला थोड़ा गीला होना चाहिए। और दूध फुल क्रीम लेंगे, खीर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। दूध में उबाल आने तक गर्म होने दीजिए। दूध उबलने के बाद फ्लेम को कर दीजिए धीमा। अब डाल दीजिए साबुदाने, एक चौथाई कप ऊपर तक भरा हुआ, वजन में 50 ग्राम। पानी डाल के रख दिया एक घंटे पहले, अच्छे से नरम हो गए हैं। साबुदाने भिगो कर ले लेंगे तो खीर जल्दी बन जाती है। अब मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए कुक कीजिए, जब तक कि इसमें फिर से अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता। कभी कभी दूध में साबुदाना डालते ही ये फट जाता है, तो ध्यान रखें जब दूध में अच्छे से उबाल आ जाए तभी साबुदाने डालें और इसे लगातार चलाते हुए तब तक कुक करें जब तक कि दूध में फिर से उबाल नहीं आ जाता, बिल्कुल दूध नहीं फटेगा। दूध उबलने लगा, अब इसे मीडियम फ्लेम पर कुक होने दीजिए और थोड़ी थोड़ी देर में, एक दो मिनट में चलाते जरूर रहिए। और फ्लेम का ध्यान रखिए, उफननी नहीं चाहिए। इन्हें कुक होते हुए 5-7 मिनट हो गए और देखिए साबुदाने एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। इस खीर को गिरा रही हूँ तो साबुदाने और दूध एक साथ चल रहे हैं। लगभग लगभग खीर बन चुकी है। फ्लेम को धीमा रखिए, बस धीरे धीरे ये कुक होती रहे। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। ये एक छोटी चम्मच किशमिश, एक छोटी चम्मच छोटे छोटे कटे काजू और एक छोटी चम्मच बादाम। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से कोई भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जितना चाहे उतना डाल दीजिए। और इसे 2-3 मिनट कुक कर लेते हैं। फ्लेम को धीमा रखिए अब, क्योंकि जब खीर गाढ़ी हो जाती है बिल्कुल धीमी फ्लेम पर इसे कुक होने दीजिए। बहुत जल्दी तले में लगने लग जाती है और चलाने का भी ध्यान रखें पूरा। 2 मिनट ड्राई फ्रूट के साथ कुक कर लिया। अब डाल दीजिए 2 टेबलस्पून चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी सी कम या थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये 2 इलायची दरदरी कुटी हुई मिला दीजिए, 4-5 केसर के धागे, इनसे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। और खीर बिल्कुल रेडी है, फ्लेम बंद कर दीजिए। कंसिस्टेंसी खीर की गाढ़ी है और ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। इसे गैस से उतार दीजिए और ढककर रख दीजिए। मुश्किल से 10 मिनट लगे हैं इसे बनने में। दूसरी रेसिपी बनाते हैं मैंगो मलाई। तो ये एक मैंगो वजन में 350 ग्राम, इसे छील कर काट लीजिए। मैंगो की आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो या जो आपके यहाँ अवेलेबल हो। तो मैंने इस तरीके से काटा और यहीं पर आम के ऊपर ही कट लगा दिए। सारा पल्प निकाल लिया आम के ऊपर से। ये आधा कप दूध से निकली हुई मलाई, दूध गर्म करते हैं ऊपर से मलाई निकलती है, फ्रिज में रख देते हैं। तो ये 2 या 3 दिन तक पुरानी ले सकते हैं, ज़्यादा पुरानी मलाई बिल्कुल मत लीजिए। तो मेरे पास आज आधा कप है, आपके पास ज़्यादा हो तो ज़्यादा ले लीजिए। थोड़ा सा इस तरीके से फेंट लीजिए चम्मच से और ये डाल दीजिए। इसमें डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच चीनी। चीनी आप अपनी पसंद से थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, चीनी के बिना भी बना सकते हैं। 2 इलायची कुटी हुई और 1 टेबलस्पून छोटे छोटे कटे हुए काजू, मिक्स कर दीजिए। मलाई नहीं है आपके पास, क्रीम है तो क्रीम ले लीजिए। मैंने इसमें सिर्फ काजू डाले हैं, आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। 5-6 धागे केसर के ऑप्शनल है। तो ये हमारा मैंगो मलाई रेडी है। 5 मिनट भी नहीं लगे इसे बनाने में। अब तीसरी रेसिपी, धनिया पुदीना की खट्टी मीठी तीखी चटनी। तो ये धनिया 1 कप धो के सुखाया और मोटा मोटा काट लिया। 2 हरे मिर्च मीडियम साइज के हैं, बहुत बड़े नहीं है। और ये 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, व्रत में अगर आप अदरक नहीं खाते तो इसे मत डालिए। ये 1 कप पुदीना के पत्ते अच्छे तरीके से धोकर सुखाए हुए, 15 काली मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच भुना जीरा, 3/4 छोटी चम्मच सेंधा नमक व्रत वाला, और ये 2 टेबलस्पून गुड़। गुड़ की जगह आप चीनी भी डाल सकते हैं। और ये 1 नींबू, इसका रस निकाल लीजिए। लगभग 1 टेबलस्पून रस निकल आया, पूरा डाल दीजिए। चटनी में खट्टापन भी अच्छा है और गुड़ भी हमने ज़्यादा डाला है तो मीठी भी अच्छी बनेगी। और अब डाल दीजिए 2 टेबलस्पून पानी, बाद में ज़रूरत पड़ेगी फिर और डाल देंगे। और अब इसे बारीक पीस दीजिए।
ये चटनी पिस गई। पानी थोड़ा कम ही डालिए पहले, मैंने बाद में पानी बिल्कुल नहीं डाला है, और चटनी की थिकनेस सही है। खट्टी मीठी चटनी बन गई। अब चौथी रेसिपी शकरकंदी की चाट। ये 5 शकरकंदी कुकर में मैंने आलू और शकरकंदी एक साथ उबाल लिए थे। एक सीटी आने के बाद इन्हें 4 मिनट धीमी गैस पर पकाया और फ्लेम बंद कर दी। कुकर का प्रेशर खत्म होने के बाद इन्हें निकाल लिया और अभी मैंने छील कर ले लिया है। अब इन्हें मीडियम साइज का काट लीजिए। ये बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। व्रत में आप इन्हें खाएंगे तो थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले डाल दीजिए 1/2 छोटी चम्मच सेंधा नमक, व्रत वाला नमक, 1/4 छोटी चम्मच क्रस्ट काली मिर्च और 1/2 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर और 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। और अब ये जो आपने खट्टी मीठी चटनी बनाई थी वो, क्योंकि चाट में जब तक खट्टा मीठा स्वाद ना आए तब तक अच्छा ही नहीं लगता। और अब इन्हें मिक्स कर दीजिए। इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर डाल दीजिए थोड़े से अनार के दाने, और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये बन गई शकरकंदी की चाट। अब 5वीं रेसिपी दही वाले आलू। 1.5 कप दही, लगभग 400 ग्राम। दही को थोड़ा चम्मच से इस तरीके से फेंट लीजिए। इसे बीटर से मत फेंटिए क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े दाने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। घर का जमा हुआ दही है और दही घर में बड़ी आसानी से बन जाता है। इसे बनाने का तरीका आप मेरे चैनल पर देख लीजिए। ये 3 बॉईल आलू छील लिए। इन्हें थोड़ा सा मोटा मोटा तोड़ लेते हैं, ज़्यादा बारीक मत कीजिए और चाकू से भी मत काटिए। इन्हें हाथ से इस तरीके से तोड़िए, अनइवन से, तभी ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इन्हें डाल दीजिए दही में। 1/2 छोटी चम्मच सेंधा नमक या स्वाद अनुसार और 1/4 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/4 छोटी चम्मच क्रस्ट काली मिर्च, इसमें आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद हो तो, 2 चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ और 2 चम्मच पुदीने के पत्ते। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं दही वाले आलू और बनाने में सिर्फ 4-5 मिनट लगते हैं। ये बन गए। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दीजिए इनके ऊपर। अब बनाएंगे समा चावल का पुलाव। ये 1/2 कप समा के चावल, वजन में 100 ग्राम। बहुत ही बारीक से चावल होते हैं ये, और व्रत में ये सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं। हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बहुत सारे मिनरल्स से भरे हुए होते हैं। सबसे पहले इन्हें अच्छे से धोइए, साफ एकदम आते हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए आप। पानी निकालने के लिए किसी भी छलनी का यूज कर लीजिए क्योंकि ये चावल बहुत छोटे होते हैं, पानी में गिर जाएंगे तो फिर उन्हें उठाना मुश्किल होता है। 3 बार धो लिया। अब इनमें पानी डाल दीजिए, बस ये डूब जाए, और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। पुलाव बनाने के लिए कोई भी कढ़ाई, भगोना, कुछ भी ले लीजिए, गर्म कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए 1/4 छोटी चम्मच जीरा। जीरे को ड्राई रोस्ट करेंगे क्योंकि आज हम सारी चीज़ें बिना घी तेल के बना रहे हैं। जीरे से बढ़िया सी खुशबू निकलने लगी और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें डाल दीजिए 1 कप पानी। लग रहा ना कि जीरा घी में भून दिया हो। और 1 छोटी सी हरी मिर्च बारीक काट ली, बीज हटा दिए ताकि ज़्यादा तीखा ना बने। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं। और डालते से पानी में उबाल भी आ गया क्योंकि कढ़ाई गर्म थी। तो अब इसमें डाल दीजिए चावल, 1/2 छोटी चम्मच सेंधा नमक या स्वाद अनुसार, 1/4 छोटी चम्मच क्रस्ट काली मिर्च, पाउडर मत लीजिए, क्रस्ट करके ही लीजिए, और आप चाहें तो इसमें साबुत काली मिर्च भी डाल सकते हैं 6-7, और ये 1 छोटी चम्मच नींबू का रस, बस और कुछ ज्यादा नहीं डालना है। अब इसे ढककर 3 मिनट कुक कर लेते हैं, फिर चेक करेंगे। 3 मिनट के बाद चावल को खोलकर चला देते हैं। इन्हें मैं बिल्कुल धीमी गैस पर कुक कर रही हूँ, फिर से ढककर इन्हें धीमी गैस पर ही 2 मिनट और कुक कर लीजिए। 2 मिनट के बाद फिर से खोलकर इन्हें चलाते हैं। मेरी नॉन स्टिक कढ़ाई है तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगे क्योंकि बिना घी बिना तेल के बना रहे हैं, तो कढ़ाई नॉन स्टिक ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और मैंने पानी भी कम डाला है, मुझे ज़्यादा गीला नहीं बनाना था इन्हें। तो ये चावल तो हमारे बन गए, मैंने टेस्ट करके देख लिए, बहुत जल्दी बनते हैं ये। यानी 6 मिनट मुश्किल से इन्हें कुक किया है और ये हो गए। अब डाल दीजिए 1/4 कप रोस्टेड मूंगफली के दाने। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, एकदम बढ़िया सा क्रंच आएगा। और ध्यान रखने वाली बात यही है कि इन चावल को जैसे पानी में उबाल आ गया आपने डाले, फिर धीमी गैस पर कुक कीजिए। फ्लेम मैंने बंद कर दी और ये थोड़ा सा हरा धनिया और डाल दिया। तो ये हमारा मूंगफली वाला समा के चावल का पुलाव बन गया। सारी रेसिपी जैसी है कि ना टाइम लगाया है, ना घी तेल लगाया है, और बहुत ही हेल्दी। और इस पुलाव को आपको कुकर में भी बनाने की जरूरत नहीं है, खुले बर्तन में बना लीजिए, इतनी जल्दी वैसे ही बन जाता है।
अगली रेसिपी मूंगफली मखाना स्नैक्स या मूंगफली मखाना बोल बोल सकते हैं। तो ये एक कप मूंगफली के दाने रोस्ट कर लेते हैं, मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनते हैं जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। आप इन्हें माइक्रोवेव में भी रोस्ट कर सकते हैं। इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में हम चला रहे हैं और फ्लेम मीडियम रखी है। अगर आप तेज़ फ्लेम कर देंगी तो ये जल्दी से ऊपर ऊपर से जलने लगेंगी और अंदर तक नहीं सिकेंगी। लगातार चलाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा बीच में छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे काम कर सकते हैं, लेकिन छोड़े आधा मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। चटर चटर की आवाज़ आपको आ रही है, यानी मूंगफली अब भुनने ही वाली है। इन्हें भूनते हुए 6-7 मिनट हो गए और अच्छी सी खुशबू निकल रही है इनसे, छिलका भी इनसे उतरने लगा है। आप चाहे तो एक दाना खा के भी देख सकते हैं, लेकिन व्रत है तो खाएंगे तो नहीं, तोड़ के देख लीजिए। झट से क्रश हो जाता है, इट मीन्स ये अच्छे से भून गए हैं। और अब इन्हें निकाल लीजिए अलग प्याली में और ठंडे होने दीजिए। ये एक कप मखाने वजन में 15 ग्राम, बहुत हल्के होते हैं ना ये। अब इन्हें भी ऐसे ही लगातार चलाते हुए क्रिस्प होने तक भून लीजिए। फ्लेम को मीडियम रखिए। मखाने को सुपर फूड बोलते हैं, इसमें ढेर सारा फाइबर और मल्टी विटामिन होते हैं, यानी ये हम व्रत में खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर कैसी भी वीकनेस नहीं आएगी, एनर्जेटिक रहेंगे। इन्हें भूनते हुए 5 मिनट हो गए, चेक करते हैं। फ्लेम में बंद कर देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये भून ही गए, क्रश कर रहे हैं ना, कैसे हो रहे हैं, एकदम पाउडर बन जा रहे हैं, ऐसे ही क्रंची बन जाने चाहिए। ये दोनों चीज़ें भून गई, मूंगफली तब तक थोड़ी ठंडी भी हो गई है, उन्हें हम छील लेते हैं। मूंगफली को किसी भी कपड़े में डाल दीजिए और थोड़ा सा रगड़ लीजिए, और इस तरीके से हाथ से भी रगड़ सकते हैं। इसमें काफ़ी मूंगफली से छिलके हट गए हैं, थोड़ी सी मूंगफली में छिलके हैं वो मैं छोड़ रही हूँ। अगर आप पूरे छिलके हटाना चाहें थोड़ा सा और रगड़ लीजिए। अब इनसे फटक कर छिलके हटा दीजिए। देखिए ये दाने निकल आए और छिलका सारा ट्रे में आ गया। इन्हें वापस इसी बोल में रख देते हैं। और अब ये मूंगफली भुनी हुई और मखाने, इनको भी तैयार कर लेते हैं। तो मखाने में ये मूंगफलियाँ डाल देते हैं और अब इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। ये आधा छोटी चम्मच सेंधा नमक, व्रत वाला नमक, और आधा छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, और चौथाई छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। 3 मसाले लिए हैं हमने, तो सेंधा नमक में ही हम ये भुना जीरा पाउडर डाल देते हैं और ये काली मिर्च पाउडर भी इसी में डाल देते हैं। इनको मिला लीजिए। एक्चुअली में आज हमने जीरो ऑयल खाना बनाया है ना, तो ऑयल घी बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये सूखे मसाले हम इनके ऊपर डालेंगे। अगर आप थोड़ा सा घी खाना पसंद करें तो 1 या आधी चम्मच घी मेल्ट करके डालिए और ये मसाले डाल दीजिए। आप सूखे डालेंगे तो भी बहुत टेस्टी लगते हैं ये, और जब आप खाएं ना तो चटनी तो हमने खट्टी मीठी बनाई है वो मिला लीजिए। वैसे तो ये ही आपको ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। ये हमारा मंचिंग बोल तैयार हो गया। ये हमारी सारी चीज़ें बन गई, अब थाली अरेंज कर लेते हैं। ये समा के चावल का मूंगफली वाला पुलाव, मैंगो मलाई, साबुदाने की खीर, शकरकंदी की चाट, दही वाले आलू, और ये मूंगफली दाना मखाना स्नैक्स, और ये चटपटी खट्टी मीठी चटनी। तो लीजिए ये बन गई व्रत की थाली। आपको देखकर ही लग रहा होगा सारी चीज़ें बहुत टेस्टी हैं और बड़ी आसानी से बन गई हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आप जब भी बनाना चाहेंगे इन्हें झटपट बना लेंगे। सारी चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं। इन्हें आप पूरे 9 दिन, दिन में 1 बार या 2 बार, जितनी बार आप खाते हैं, पेट भर के खाएंगे, पूरे एनर्जेटिक रहेंगे, सारे काम कर पाएंगे अपने, और 9 दिन में वजन भी कम कर लेंगे। तो इनमें से 1, 2, 3 जितने भी एक बार में बनाना चाहते हैं आप बनाइए, खाइए, और मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी, और मुझे सजेशन देते रहिए, इनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।